अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की दोस्ती जग जाहिर थी। इन दोनों ने साथ साथ कई फिल्म में काम किए और इन दोनों के बीच ट्यूनिंग काफी अच्छी थी और इन दोनों की ट्यूनिंग काफी अच्छी थी। कहा जाता है कि ये दोनों जब भी किसी फिल्म के सेट पर काम करते थे तो खूब मस्ती किया करते थे। अमिताभ बच्चन को शशि कपूर प्यार से बबुआ कर करते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ ने जब आत्महत्या करने की कोशिश की तो उसे शशि कपूर ने बचाया था। क्या था वो पूरा मजा बताएंगे आज की वीडियो में। हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अपने लाइफ को ठीक ठाक जी रहे होंगे। बात उस समय की है जब दो और दो पांच के निर्माता अमिताभ के पास स्क्रिप्ट लेके गए। अमिताभ ने उस कहानी को देखी और उन्हें वो कहानी पसंद नहीं आई तो उन्होंने इस फिल्म में काम करना उचित नहीं समझा और इसे छोड़ दिया। लेकिन वो निर्माता चाह रहे थे कि अमिताभ बच्चन इस पर काम करे। इस फिल्म के निर्माता ने इस फिल्म की जिम्मेवारी निर्देशक राकेश कुमार को दी। राकेश कुमार इसके पहले अमिताभ बच्चन के साथ खून पसीना में काम कर चुके थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन को फिर से स्टोरी दिखाई और उन्हें विश्वास दिलाया कि यह फिल्म काफी अच्छी है, आपको इसमें काम करना चाहिए, साथ में शशि कपूर भी है। अमिताभ बच्चन मान गए। फिल्म की शूटिंग चल रही थी, अचानक से अमिताभ को, जैसे कि आपको पता है कि वो अस्थमा के पेशेंट है, तो उनको अचानक दौरा पड़ा। वो दौरा इतना तेज था कि उनको काफी जोरों से दर्द होने लगा। वो दर्द जब सहन शक्ति से बाहर हो गया तो अमिताभ बच्चन अब जीना नहीं चाह रहे थे। वे तुरंत एक दीवार के ऊपर चले गए और वहां से छलांग लगाने वाले थे ताकि इस दर्द से छुटकारा पा जाए। लेकिन ठीक उसी वक्त शशि कपूर ने देख लिया कि दीवार से छलांग लगाने वाले हैं, तो उन्होंने दौड़कर अमिताभ बच्चन को पकड़ लिया और छलांग लगाने नहीं दिया। इस तरह अमिताभ बच्चन बच गए। बाद में अमिताभ बच्चन का ट्रीटमेंट हुआ और वो ठीक हो गए। लेकिन शशि कपूर ने उन पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया था। अमिताभ बच्चन ने शशि कपूर से कहा कि आपका एहसान मुझ पर जिंदगी भर रहेगा, लेकिन आज के बाद मैं जब भी कोई दो हीरो वाली फिल्में करूंगा, कोशिश करूंगा उस फिल्म में आप हो। उसके बाद अमिताभ बच्चन के पास जब भी कोई मल्टी स्टार कास्ट वाली फिल्म आती थी, वे निर्माता या निर्देशक से कहते थे कि इस फिल्म में शशि कपूर को लिया जाए। और जब निर्माता या निर्देशक उनसे कहते कि शशि कपूर कैसे मानेंगे, तो अमिताभ बच्चन ने शशि कपूर से लिखा हुआ एक एग्रीमेंट भी अपने पास रख लिया था, जिसे वे उस निर्माता या निर्देशक को दिखा देते थे। इस तरह से अमिताभ बच्चन ने शशि कपूर के साथ दो और दो पांच के बाद और भी कई फिल्मों में काम करने को कोशिश की। इसमें से नमक हलाल है, सिलसिला भी है। शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की दोस्ती यूं ही चलती रही। शशि कपूर ने अपना फर्ज फिर से एक बार पूरा किया। शशि कपूर जब 8 फिल्म बनाकर अपने काफी पैसे बर्बाद कर चुके थे, तब उन्होंने एक कमर्शियल फिल्म बनाने की ठानी। फिल्म का नाम था जुबा। उन्होंने फिर से अमिताभ बच्चन को अपनी फिल्म में रखा, अपनी दोस्ती को ताजा रखने के लिए रखा। लेकिन अफसोस की बात कि अजूबा फ्लॉप हो गई। तो दोस्तों, दोस्ती की गहराई तब पता चलती है जब कोई दोस्त किसी विपत्ति में पड़ जाए। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करके ये बताना ना भूले कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में किसकी दोस्ती बहुत अच्छी लगती है। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और इसी तरह खूबसूरत वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।